बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम हीट के चैप्टर में हम आज देखेंगे हीट, जिसे हम हरारत भी कहते हैं, ये क्या होती है। इसके लिए हम बहुत सादी सी मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास अगर दो टब हों जो पानी के भरे हुए, और हम कहेंगे भाई आपके पास क्या है, आपके पास एक गिलास है, ग्रीन रंग का चलो गिलास बना लेंगे, ज़्यादा वाजह दिखे, ये हमारा एक गिलास हो गया, ठीक है। और एक तरफ क्या आपके पास एक बहुत बड़ा जग है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आपका गर्म पानी है इसका, ठीक है, ये गर्म पानी। अब आपकी अम्मी ने आपको के लिए दो टब में पानी भरा, आपसे क्या भाई 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 मुन्ने मियाँ इसमें नहा लो। अब आपका छोटा भाई आने का, भाई देखो परेशान की बात नहीं है, ये गिलास जो है गर्म पानी का है, खौलता हुआ गर्म पानी है, और उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 99 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मैं ये इसमें डाल दूंगा तो क्या होगा, आप आराम से नहा लो भाईजान, ठीक है। तो क्या आप नहा लेंगे इससे? तो आप कहेंगे नहीं भाई, छोटे भाई को बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो बहुत थोड़ा पानी इतने सारे पानी को कैसे गर्म करेगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई एक जग है बड़ा गर्म पानी का, बड़ा सा बहुत बड़ा जग है, सो और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी पानी लेकिन 59 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको इस टब के अंदर डाल दो फिर नहा लो, तो आप क्या फौरी राजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पानी की मिकदार ज्यादा है ना, जब ज्यादा गर्म पानी इसमें जाएगा तो क्या करेगा, इसको गर्म कर देगा, और ये तो भाई थोड़ा सा, हत्ता कि इसका क्या है टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन क्या ये इसको गर्म नहीं कर सकते, इसकी मिकदार थोड़ी है, लेकिन इसकी मिकदार ज्यादा है तो क्या होगा, ये फौरी गर्म कर देगा। हत्ता कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हत्ता कि कम है लेकिन फिर भी ये गर्म कर देगा ज्यादा। तो बात ये समझ में आई कि कुछ मसला है, टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है क्वांटिटी कम है लेकिन चीज गर्म नहीं होती, यहाँ टेम्परेचर कम है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन चीज गर्म हो जाती है। यही तो बात है भाई कि हीट जो है क्या, ये मकदार के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब मकदार के ऊपर क्यों डिपेंड करती है, सवाल ये पैदा होता है कि ये बात तो समझ में आ गई, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। तो अब ये जो क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए वो ये है कि भाई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कैसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है, तो ये जो हम ज्यादा गर्म पानी को उसमें डालें तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो है, ये कम पानी इसमें भी एनर्जी है ना, इसमें भी एनर्जी एक्चुअली गर्म है। अब एनर्जी क्या है, किस हिसाब से है, क्यों है, इसको थोड़ा सा हम जरा देख लेते हैं। हमको मालूम है कि जितनी भी चीजें हम दुनिया में देखते हैं क्या ये मॉलिक्यूल से बन के बनती है, ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक रॉड है, इसमें ये रॉड है, कोई बर कुछ भी ले लें आप, तो इसमें कैसे मॉलिक्यूल्स है, जब ये मॉलिक्यूल्स जो है क्या वाइब्रेट करते हैं इस तरह, और इनकी वाइब्रेशन से इसमें क्या होती है, इसके अंदर एनर्जी आती है, जिनको हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर ये गिलास लूँ तो इसमें मिसाल के तौर पर कितने मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल हैं, और अगर मैं इस जग को लूँ तो इसमें कहते हैं इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब तो अब ये जो वाइब्रेशंस की जो मूवमेंट है, जो ये वाइब्रेट जो कर रहे हैं, ये एनर्जी है एक्चुअली, ये इन मॉलिक्यूल्स की क्या है, एनर्जी है। तो जब मैं इनको उसमें डालता हूँ तो इतने सारे मॉलिक्यूल जब इसमें जाते हैं तो क्या करते हैं, इस पूरे पानी को गर्म कर देते हैं, जबकि ये ग्लास वाला जब जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े होते हैं, तो ये इतनी इतना इसको गर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे ट्रांसफर एनर्जी क्या है, कम है क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही कम है। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर किस हिसाब से हो रही है, डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से हो रही है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा था और यहाँ टेम्परेचर कम था, तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है टेम्परेचर और एनर्जी का। अब आइए एक सिमुलेशन देखते हैं कि बात समझ में आ जाए। अब आइए पानी की मिसाल लेते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है और इसके अंदर ये पानी है। अभी इसका टेम्परेचर क्या, -171 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत नीचे, यानी इस वक्त क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में बर्फ है बिल्कुल।
अभी सवाल ये होता है ये तीन तीन चीजें क्या दिख रही हैं भाई, तो आपको पता है H2O होता है, H2O क्या दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बाहर ये पानी है, पानी तो सबूर कर लें आपको, ये पानी है, ये फ्रीज हुआ हुआ है और ये सॉलिड फॉर्म में है। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ाऊं, वो टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूं मैं, मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तब क्या हुआ आप देखें कि वो थोड़ा ठंडा कर देते हैं हम, जिस तरह आप देखें मैं जिसको टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो मॉलिक्यूल्स में हरकत बढ़ रही है, और हम इसको और थोड़ा तेज करते हैं तो अभी भी देखेंगे अब बिल्कुल साथ साथ ही हैं, बर्फ की ही सूरत है अभी, और अब ये देखें अब ये जीरो के करीब आना शुरू हुआ है और ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, और जैसे 87 टेम्परेचर के पानी अब बॉयल होना शुरू हो गया, कुछ मॉलिक्यूल देखें यहाँ उड़ के स्टीम बन के जा रहे हैं ऊपर, लेकिन ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के हैं नीचे मौजूद हैं, ये अभी बॉइलिंग वाटर की शक्ल है इस वक्त। अब मैं क्या करूँ क्योंकि मॉलिक्यूल्स कुछ अभी क्या है इंटैक्ट हैं, अभी ये आपस में बिल्कुल दूर नहीं हुए हैं कि ये गैस बन जाए, क्योंकि जब जब मॉलिक्यूल बिल्कुल करीब करीब होंगे तो वो सॉलिड होंगे, थोड़ा सा दूर होंगे हिले झुलेंगे तो क्या होगा वो लिक्विड बन जाएगा, और अगर जब बिल्कुल सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल दूर हट जाएंगे सारे के सारे तो क्या होगा वो गैस बन जाएगी। तो अब जैसे ही मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जाऊंगा ऊपर, दोबारा मैं इसको हीट करता हूँ, तो अब क्या आप देख रहे हैं कि भाई सारे मॉलिक्यूल्स हैं सब एक दूसरे से जुदा जुदा हो गए, और अब ये सारे के सारे क्या बन गए, अब ये सब गैस बन गए। तो ये है वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो मैं पहले अभी डिस्कस कर रहा था कि इनकी वाइब्रेशन से जो होती है इससे वो एनर्जी होती है जो ट्रांसफर होती है एक्चुअली। बस आइए अब यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, हीट का, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लीनियर एक्सपेंशन और बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। हम बड़े शुक्रगुजार हैं फैट सिमुलेशन के, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के सारे एप्लीट्स फराहम करने हैं।